हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर वन वीक मैंने अपना कैमरा उठाया और आज मैं शूट कर रही हूँ। मैंने एक हफ्ते से बहुत तबीयत खराब थी तो मैंने कोई शूट नहीं करा, बट आज हम जा रहे हैं ब्लॉगिंग करने और ये है मेरी मॉम से हाय। हाय बोलो। हाय। सो आज हम जा रहे हैं बहुत स्पेशल प्लेस में जो कि है न्यू दिल्ली काली बाड़ी, क्योंकि काली बाड़ी में आज है बासंती पूजा। और ये मतलब ये पूजा राम जी ने किया था तो उसके लिए इस टाइम पे वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, स्पेशल दुर्गा पूजा, क्योंकि एक होती है अक्टूबर में और एक होती है इस टाइम पे, और जिनको नहीं पता इस टाइम भी होती है। बाकी मैं अभी जा रही हूँ न्यू दिल्ली कालीबाड़ी। आई हूँ न्यू दिल्ली कालीबाड़ी, जो कि मैंने आपको उसके क्लिप्स दिखाए हैं। यहाँ पे मूर्ति आई है, यहाँ पे पूरा लाइक पंडाल वंडाल लाइक जो अक्टूबर में होती है दुर्गा पूजा वैसे ही है टोटली, एंड बहुत सुंदर है। हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गए, तो जो भीड़ थी वो कम हो गई। वो एक साइड से अच्छी बात है कि उतनी भीड़ नहीं है। और ये शिव मंदिर है, यहाँ पे काली मंदिर है जो कि यहाँ पे मेन है। दुर्गा पूजा के टाइम पे यहाँ पे पंडाल लग के मूर्ति आती है, काफ़ी सुंदर है। इफ़ यू आर नियर बाय लाइक न्यू दिल्ली में हो तो फिर ऑब्वियसली एक बार इस मंदिर पे आओ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको एक पीस मिलेगा और काफ़ी सुंदर है। सो मैं इंजॉय करती हूँ। अब आई एम ट्राइंग कि मैं भोग खाऊँ जो कि बहुत टेस्टी होता है, मुझे क्रेविंग हो रही है भोग खाने की। सो लेट्स सी, क्योंकि अभी लाइन भी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी लाइन ली थी, बट इस साल मैं थोड़ा लेट हूँ तो लाइन नहीं मिली। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। जब आए थे हम काफ़ी लेट हो गए और हमें भोग मतलब अगर हम चाहते तो भोग खा लेते, बट ऑलरेडी खा के आए थे तो ठीक है। सो गाइज, अभी मैं हूँ मंदिर मार्ग वाली लेन पे, जहाँ पे न्यू दिल्ली कालीबाड़ी बुद्धा जी का मंदिर, बिरला मंदिर मतलब एक के बाद एक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। Hey guys, so आज तो मैं वापस आ गई, अभी आई हूँ जस्ट वापस। और भोग हमने नहीं खाया क्योंकि हम ऑलरेडी उस मतलब जब हम घर से निकले थे तो हम खा के निकले थे तो हमारा पेट बहुत फुल था तो हमने कुछ नहीं खाया। बट हम गए केवेंटर से, हमने शेक लिया जो कि मैंने ऑलरेडी एक वहाँ पे पी लिया था और एक मैंने अभी लिया और जो कि मैंने आधा ख़त्म कर चुकी हूँ। और इसके साथ आई जस्ट पैक मोमो फ्रॉम बाओ मोमो। सो अभी मैं वो खाऊंगी और आप लोग देखोगे। सो क्योंकि
वहाँ पे हमें टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो पैक करवा के आराम से जाके घर में जाके आराम से खाएंगे. सो या सो लेट्स सो अभी हम खाएंगे वाओ मोमोज और केविंटर्स का मिल्क शेक जो कि है बहुत टेस्टी. मैंने एक लिया था, मतलब इसमें कुछ ऑफर था कि अगर आप मतलब कुछ ऑफर था कि अगर आप दो शेक लेते हो तो आपको 200 प्लस का कुछ है विद टैक्स. सो आई ऑर्डर, इट्स लुक सो डिलीशियस मोमोस. आज पता है मतलब मुझे पब्लिक प्लेस में एक तो ब्लॉगिंग करने में बहुत अजीब लगता है. एक्चुअली द थिंग इज कि लोग देखते हैं, बट ठीक है दैट्स फाइन, वो आदत हो जाएगी धीरे 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 धीरे. और आज का दिन काफ़ी अच्छा था क्वाइट. और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इट इज़ शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग, नथिंग मच मोर, आई होप कि अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसे ही अभी अभी कर दो. एंड इसके ऊपर लिखा है दिस मिल्क शेक इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ. सो अभी मैं अपना ये मोमोज एंजॉय करती हूँ.